अभिनंदन करता हूँ कि लोग मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। साथ ही मैं मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी से भी निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। So
पार्टी के अध्यक्ष निदेशक महोदय संजय झारा जी उपस्थित हैं, तो उनके लिए भी आप कृतज्ञता से उनका स्वागत है। अब इसके पश्चात सभी से निवेदन है कि सभी आप सभी अपने स्थान पर नहीं उठाए और राजस्थान विश्वविद्यालय का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथियों का सत्कार करने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर ज्योत्सना वशिष्ट जी से निवेदन करता हूं कि वे प्रोफेसर राजेश कुमार जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे प्रोफेसर राजीव जैन जी कुलपति महोदय जी का स्वागत करें। प्रोफेसर राजेश कुमार ठीक ठीक धन्यवाद सर। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी को। धन्यवाद सर। अब मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी के स्वागत के लिए प्रोफेसर राम सिंह जी से निवेदन करता हूं।
धन्यवाद सर। अब मैं प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी के स्वागत के लिए प्रोफेसर चंद्रमणि चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मैम। अब मैं संस्कृत अकादमी के निदेशक संजय झाला जी के स्वागत के लिए डॉक्टर ईश्वर सिंह शेखावत को आमंत्रित करता हूं कि उनका स्वागत करें। धन्यवाद ईश्वर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्कृत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राजेश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन दें। प्रोफेसर राजेश कुमार। और राजस्थान के प्रकांड पंडित महाकवि माघ महोत्सव के अंतर्गत आयोजित राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार के सौजन्य से संस्कृत युव समवाय 2014 के इस उद्घाटन सत्र में पधारे हुए सभी अतिथियों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजीव जैन साहब को मैंने कहा कि दिन में 3 बार आना है, तो उन्होंने कहा जितनी बार बुलाओगे, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम है तो मैं अवश्य रूप से आऊँगा। तो मैं उनको आर्द्य के अंत्यस्थल से आभारी हूँ प्रकट करता हूँ। हमारे गुरुवर्य प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आप साहित्य दर्शन और व्याकरण के प्रकांड पंडित हैं, और मेरे दूरभाष से जो निवेदन किया गया था उसको स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर एन के पांडे साहब जो कि हमारे वरिष्ठ हैं, हिंदी साहित्य के हैं पर संस्कृत में भी इनका प्रकांड प्रगाढ़ पांडित्य हमें सदैव दिखाई पड़ता है। मेरे दूरभाष के निवेदन को स्वीकार करके वे विशिष्ट अतिथि के पद के लिए इन्होंने मुझे स्वीकृति प्रदान करी। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी विद्यमान हैं जो कि मुख्य वक्ता होंगे इस उद्घाटन सत्र के। उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करके यहाँ पधारकर हमें अनुग्रहित किया। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक संजय झाला जी को मैंने कहा कि आपको पूरे दिन रहना है, वो यहाँ पधारे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इसके साथ मेरे जिन जिन महाविद्यालयों से और जिन जिन संस्थानों से शिक्षकगण, संस्कृत के शिक्षकगण अपनी टीमें लेके यहाँ पधारे हैं, उन सभी शिक्षकगणों का स्वागत, और सबसे अधिक स्वागत उन बच्चों का जो पूरे दिन भर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, उन सब का। इसके साथ ही मेरे विभाग के जो छात्र कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं कार्यकर्ता कल भी पूरे दिन लगे रहे, आज सुबह भी 7 बजे से लगे हुए रात तक लगे रहेंगे। इसके साथ मेरे विभाग के शिक्षक साथी, कर्मचारी गण, मीडिया बंधु और जो टीम आई है, निर्णायक गण, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आज के जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं उन सभी कार्यक्रमों के परिचय के लिए
डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, जो आपके समक्ष आज के सभी कार्यक्रमों का परिचय देंगे। डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसुव। नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। अत्यंत हर्ष का अवसर है कि कोरोना विषाणुजन्य विषम परिस्थितियों के लगभग 1.5 साल के उपरांत अब समवाय कार्यक्रम जो हैं आरंभ हुए हैं। इसी श्रृंखला में राजस्थान संस्कृत अकादमी कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से विगत 1 माह से माघ जयंती के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कल और परसों जो बीत गए हैं उनमें भी अकादमी के द्वारा फिल्म फेस्टिवल बहुत ही प्रशस्य रहा और उसी क्रम में अकादमी ने हमें भी अवसर दिया। झाला जी तो निरंतर कहते ही रहते हैं कि आप जितने करा पाएँ हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। आपने आगे से हमें कहा कि आप आइए और हम चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में भी संस्कृत विभाग की ओर से गतिविधि का आयोजन हो। तो इसी क्रम में अकादमी ने हमें युव समवाय यूथ फेस्ट संस्कृत यूथ फेस्ट के लिए अवसर प्रदान किया आयोजन का। तो ये जो है यूथ फेस्ट है, इसमें हम लोगों ने 7 गतिविधियां, क्योंकि ये 1 दिन में ही हमें आयोजित करना था, तो जितनी संभव हुई उतनी गतिविधियां हमने इस कार्यक्रम में सम्मिलित करी। उसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों को ही हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया। तो इसमें 2 गतिविधियां जो वाद विवाद प्रतियोगिता है और स्वरचित कविता पाठ है, वो विभाग के जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें आयोजित होंगी। और एकल गायन, सामूहिक गायन, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिताएं इसी हॉल में आयोजित होंगी। नुक्कड़ नाटक की जो प्रतियोगिता है वो ओपन एरिया विभाग के का जो एरिया है वहाँ आयोजित होंगी। और प्रतियोगिताओं से संबंधित जो भी रूल्स हैं, नियम हैं, वे हमने विभाग के द्वारा आपको समय पर प्रसारित कर दिए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों का, संस्थाओं का ये बड़ी आशंका थी कि ये संस्कृत युव समवाय है, क्या संस्कृत में ही सभी चर्चाएं होंगी, क्या संस्कृत में ही सारा संचालन और संस्कृत में ही सब निष्पन्न होंगी। तो झाला जी ने कहा कि हमें संस्कृत को प्रमोट करना है। ऐसे जो विद्यार्थी हैं, विषयतर जो विद्यार्थी हैं संस्कृत से, उन तक संस्कृत के ग्रंथों का, संस्कृत के ज्ञान विज्ञान का प्रसार हो, वो इस ओर आकर्षित हों और वो जब उन्मुख होंगे तभी उनकी प्रवृत्ति संस्कृत के ग्रंथों की ओर बढ़ेगी। और आज का जो है ये माघ महोत्सव के अवसर पर ये कार्यक्रम बहुत ही प्रासंगिक है। माघ जो है एक साधारण काव्य ही के प्रणेता नहीं है, उनका जो काव्य है शिशुपाल वधम, उसमें आपकी ये जो सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां जिनमें हम भाग ले रहे हैं उनके गूढ़ सूत्र काव्य में निहित हैं। वहां पर मृदंग की ताल भी आपको देखने को मिलेगी, वीणा के स्वर भी आपको देखने को मिलेंगे। द्वितीय जो सर्ग है वहां पर माघ ने 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छाओं का बड़ा सूक्ष्मता से उल्लेख किया है। तो ऐसा नहीं है कि माघ महोत्सव पे यूथ फेस्ट, तो युवाओं को माघ बहुत आकर्षित करते हैं। आज का जो युवाओं में ये अनिश्चितता को लेकर के जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, उसमें माघ समन्वय का पथ आपको देते हैं और बड़े उत्साहित करते हैं। हम सभी को माघ को देखना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि आप सभी आज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर बड़े उत्साह उदात्तता के साथ भाग लेंगे और आनंद उठाएंगे। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद सर।
अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एन के पांडे जी से निवेदन करता हूँ इन पंक्तियों के साथ। नंद नंद आनंद कंद हिंदी कुंज दिनेश, नंद नंद आनंद कंद हिंदी कुंज दिनेश, माघ सदृश कृष्णज्ञ जो नंद किशोर विशेष। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी। केकि कंठाभ नीलम सुरवर बिलस विप्र पादाब्ज चिन्हम शोभाढयम पीत वस्त्रम सरसी जनैनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुतम वंधुना सेव्यमानम नौमिड्ययम जानकीसम रघुवर मनीषम पुष्पकारूढ़ रामम। आज संस्कृत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा आयोजित संस्कृत युवा समवाय में अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के ही नहीं इस देश के अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के सुप्रतिष्ठित कुलपति प्रोफेसर जैन साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए अपने बीच उपस्थित प्रोफेसर कृष्ण शर्मा जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, प्रोफेसर राजेश कुमार जी जो समस्त कार्यक्रमों का संयोजन कर रहे हैं, और प्रोफेसर राम सिंह जी चौहान, डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी सभाकक्ष में उपस्थित विभिन्न विभागों के प्राध्यापक गण एवं प्रिय विद्यार्थियों, यह कार्यक्रम संस्कृत विभाग में और विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन जी की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत की प्रतिष्ठा से भारत वर्ष की प्रतिष्ठा है, और इन महान कवियों में माघ जैसे कवि को राजस्थान प्रांत की इस धरती ने जन्म दिया। सुप्रसिद्ध समीक्षक मल्लिनाथ ने लिखा, माघे मेघे वयम गता। मेघदूत और माघ की टीका लिखते उम्र ही चली गई, यानी माघ ने इतना श्रम लिया और माँ की जटिलता के साथ माँ की जो सुगमता है, उसकी जो बोधता है, वो जो सहज संप्रेषणीयता है, वो इतनी व्यापक है, इतनी विस्तृत है कि माघ को पढ़े बिना संस्कृत साहित्य के पांडित्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संस्कृत के समीक्षकों ने उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संत्रित्रयो गुणाः कहा। यानि कालिदास उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, भारवी और दंडी से ऊपर ले जाकर के माघ को स्थापित किया। माघ का तेज भारवी के आने तक अपने समाज में, संस्कृत जगत में सुप्रतिष्ठित रहा, यानी लंबे समय तक माघ के नाटकों की ही चर्चा संस्कृत साहित्य में होती रही। और माघ केवल और केवल एक बड़े नाटककार, बड़े साहित्यकार ही नहीं है, माघ की प्रेरणा इतनी दूर तक गई कि हिंदी साहित्य के 1200 वर्षों के इतिहास में अनेक कवियों ने माघ से प्रकृति वर्णन सीखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वतंत्र रूप से माघ का प्रभात वर्णन शीर्षक से एक लेख ही लिखा, जब तक भारत में संस्कृत माध्यम से पढ़ाई हो रही थी। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषाओं और भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्यापन की बात की जा रही है। जब तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी, भारत ने बड़े वैज्ञानिक दिए, भारत ने बड़े गणितज्ञ दिए, भारत ने बड़े वैद्य दिए। इसलिए ये मानना कि संस्कृत केवल साहित्य और कविता की भाषा है, यह समझ अधूरी है। संस्कृत में जब तक पढ़ाई होती थी तो भारत ने चरक दिया, भारत ने सुश्रुत दिया,
भारत ने आर्यभट्ट दिया, भारत ने बड़ा मिहिर दिया, भारत ने दुनिया को दशमलव दिया, भारत ने दुनिया को शून्य दिया। इतना ही नहीं, आज का अवकलन, कैलकुलस, ज्यामिति, बीज गणित, अंक गणित, ये सब कुछ संस्कृत के माध्यम से सारी दुनिया तक पहुंची, जिसका विश्व आज ऋणी है। और जब से इस देश ने फारसी माध्यम में और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना शुरू किया, भारत एक अनुकरणकर्ता देश के रूप में उभर करके हमारे सामने आया। मौलिक प्रतिभा का क्रमशः ह्रास होता चला गया, तो संस्कृत विद्या, संस्कृत ज्ञान, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, संस्कृत दर्शन जितना अधिक देश में प्रतिष्ठित होगा, भारत का यश उतना ही बढ़ेगा। विश्व को शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य जैसे आचार्यों ने न केवल स्वयं को प्रतिष्ठित किया, अपितु भारतीय समाज को उन्नत और समरस बनाने में अपने योगदान को स्थापित किया। बड़े कवियों ने और बाद में हेमचंद्राचार्य जैसे कवि आचार्य और वैयाकरणों ने संस्कृत को भी ध्यान में रखकर लिखा, अपभ्रंश को भी ध्यान में रखकर के लिखा, अवहट्ठ को लिखा, देशी भाषा को ध्यान में लिखा और तमाम भाषाओं के कवियों आचार्यों की कविताओं का संग्रह किया। नहीं तो यह देश संस्कृत न हो तो प्रभाविहीन, प्रतिभाविहीन हो जाए। माघ को हम जितना ही पढ़ेंगे उतना ही हम भारतीय संस्कृति को जानने में, भारतीय इतिहास को जानने में, भारतीय दर्शन को जानने में और संपूर्णता में भारतीय अध्यात्म को जानने में हम अपने को सफल बना पाएंगे। और उतनी ही गहराई से हम राजस्थान प्रदेश की प्राचीनतम प्रतिभाओं को समझ पाएंगे कि किस तरह से राजस्थान की प्रतिभा ने एक भारतीय स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अपने मेधा के मल पर स्वयं को स्थापित किया। ये जानने के लिए पर्याप्त है कि संस्कृत की कितनी बड़ी परंपरा, कितनी समृद्ध परंपरा, कितनी मुखर परंपरा राजस्थान में रही है, ये समझना जितना आवश्यक है उतना ही उसको प्रचारित और प्रसारित करना भी आवश्यक है। संस्कृत युवा समवाय कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष संस्कृत अकादमी और अनेक संस्कृत की संस्थाएं संस्कृत की उन्नति के लिए पूरे राजस्थान में प्रयासरत है। सभी आयोजकों को शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।